हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है जी। तो आज हम बात करेंगे कार डैशबोर्ड वार्निंग लाइट की। जी हाँ, अगर कोई लॉन्ग रूट पे कार ड्राइविंग करता है या जिसने नया नया कार चलानी शुरू की है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं या इस तरह की रेगुलर वीडियो चाहते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जी। तो पहला आपके सामने है, अगर आपकी कार डैशबोर्ड में इस तरह का इंडिकेटर बार बार शो करता है, तो आपको थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तब शो होता है जब इंजन के तापमान में वृद्धि होती है, यानी कि जब इंजन का तापमान नॉर्मल से ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो उस केस में आपको गाड़ी को कुछ टाइम के लिए रोकना या बंद करना जरूरी रहता है, ताकि इंजन ठंडा हो सके। ये तब होती है जब आप कुछ घंटे या कई बार लगातार अगर आप गाड़ी का यूज़ करते हैं। सेकंड है इंजन का। जी हाँ, ये इंजन का साइन है। अगर ऐसा इंडिकेटर आपके डैशबोर्ड में या कार के डैशबोर्ड में दिखाई दे, तो आपको क्या करना है? अगर इस तरह का इंडिकेटर दिखाई देता है डैशबोर्ड में, तो ये है कि आपके इंजन में कुछ ना कुछ खराबी है। तो कोशिश ये करें जितना जल्दी हो सके मैकेनिक के पास जाएं। थर्ड है, अगर इस तरह का इंडिकेटर आपकी कार के डैशबोर्ड में दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी एयरबैग में खराबी है, और भगवान ना करे, लेकिन अगर बाय चांस अगर दुर्घटना होती है, तो एयरबैग काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसलिए अगर ऐसा इंडिकेटर शो होता है, तो तुरंत इसको मैकेनिक से चेक करवाएं। नेक्स्ट है ब्रेक। अगर ब्रेक में कुछ गड़बड़ी है, तो आपकी कार के डैशबोर्ड में इस तरह का इंडिकेटर आपको दिखाएगा। तो इसलिए या तो इसको आप ठीक करवाएं, अगर ज़्यादा ही लूज है या ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, तो इसको चेंज करवाएं। और नेक्स्ट है एबीएस। जी हाँ, अगर आपकी कार में इस तरह का इंडिकेटर दिखाई दे, तो ये हो सकता है कि आपके जो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम में है, वो खराबी हो सकती है, और जितना जल्दी हो सकता है इसको आप ठीक करवाएं। आगे नेक्स्ट है बैटरी से रिलेटेड। जी हाँ, अगर आपकी बैटरी में कोई फॉल्ट है या इस तरह का इंडिकेटर आपके सामने शो होता है प्लस माइनस का, तो ये हो सकता है कि आपकी बैटरी की कोई वायर लूज हो सकती है, या प्लग में जो अटैच होते हैं उसमें कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। अगर इस तरह का इंडिकेटर होता है, तो आप अपनी बैटरी या उससे रिलेटेड वायर को जरूर चेक करें। नेक्स्ट है ऑयल प्रेशर। जी हाँ, अगर आपकी कार के डैशबोर्ड में इस तरह का इंडिकेटर शो होता है, तो ये हो सकता है कि जो आपके इंजन में ऑयल है उसकी कमी है, कि इंजन में ऑयल जितना होना चाहिए उससे कम है या बिल्कुल भी खाली हो चुका है। तो कोशिश ये करें कि उसे, अगर इस तरह का इंडिकेटर होता है, तो ज़्यादा कार का यूज मत करें, और जो अपना ऑयल लेवल है उसको आप जरूर चेक करें। नेक्स्ट है पावर स्टेयरिंग। जी हाँ, जो मैनुअल कार में तो ये नहीं होता, लेकिन जो आजकल ऑटोमेटिक कार हैं, तो उनमें ये चीज़ें या ये वाली चीज़ आपको मिल सकती है। ये इंडिकेटर तब होता है जब आपकी जो पावर स्टेयरिंग में है उसमें ये, अगर या किसी भी तरह की दिक्कत हो सकती है, तो ये शो होता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो इनके एक्सपर्ट है या मैकेनिक है, तो उनको को एक बार ज़रूर चेक करवाएं। और फिर है कि अगर आपके टायर में हवा कम है या ज़्यादा है, तो इस तरह का इंडिकेटर आपकी कार की डैशबोर्ड में शो करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में कार जो की टायर की हवा जरूर चेक करवाएं। और फिर है नेक्स्ट है सीट बेल्ट। जी हाँ, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी है, तो वैसे तो उसमें ट्यून बजती है कार में, लेकिन फिर भी उसके साथ साथ आपको ये इंडिकेट करती रहेगी कि आपने सीट बेल्ट का यूज़ नहीं किया है। अगर आप जैसे ही अटैच करोगे, ये इंडिकेटर गायब हो जाएगा। तो ये थी कुछ अपडेट आज के टॉपिक से रिलेटेड। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आज के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।